तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितनी बार जो है वो यहाँ से एक बार मैग्नेट है, ये क्वेश्चन कितनी बार आया, बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ द बार मैग्नेट इज गिवेन हियर, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी दिया हुआ है टेस्ला, द वर्क डन इन टेकिंग द बार स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू फील्ड 60 डिग्री। देखो अगर यहाँ पर अपना मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट करता है और ये अपना बार मैग्नेट है, तो पहले जो बार मैग्नेट था वो अपना यहाँ पे ऐसे था, इनिशियली जो बार मैग्नेट था स्लोली स्लोली, क्यों, क्योंकि काइनेट इनिशियली बार मैग्नेट ऐसे था, और अगर ये बार मैग्नेट ऐसे था इनिशियली तो ये अपना नॉर्थ पोल और ये अपना साउथ पोल, ठीक ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे था, तो इनिशियली जो एंगल था थीटा 1 और 0 डिग्री था। फाइनली इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा 2, और स्लोली स्लोली घुमाना थीटा 2 60 डिग्री। तो इस पूरे को इसे घुमाने में हमें कितना वर्क डन होगा, हाउ मच वर्क इज डन, तो उस वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो अगर मुझे उस वर्क डन को कैलकुलेट करना है तो W जो वर्क डन होता है इस केस में एम बी cos θ1 - cos θ2। आई होप कि आपको आप पढ़े होगे इसको, तो यह आ जाएगा एम बी मैग्नेटिक मोमेंट और cos 0 - cos यहाँ से 60, cos 60 कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एम बी यहाँ से cos 0 - cos 60 sin 31/2। तो ये फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा वो एम बी बाई टू आएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन ये एलजेब्रा में है तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है इतना जूल, तो वर्क डन की वैल्यू डाल दो। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ दिया हुआ है 2 × 10 की पावर यहाँ 4, और यहाँ से तुम देखोगे बी मैग्नेटिक 6 × 10 की पावर यहाँ -4 टेस्ला है, डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये और ये इसे कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा, दैट इज 6 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि यह घूमेगा नहीं, हमें खुद घुमाना पड़ेगा। थैंक यू।